आपको बताने वाले हैं एक ओल्ड ड्रेस रीयूज आइडिया। और ये हमारी ओल्ड ड्रेस कुछ इस टाइप की है। ये हमारी गुड़िया की ड्रेस है और गुड़िया इस ड्रेस को पहन पहन के बहुत ज्यादा बोर हो चुकी है। अगर आपके पास भी कोई ओल्ड ड्रेस है लहंगे वाली, जिसमें आपका लहंगा रहेगा और आपका ब्लाउज रहेगा, जिसको पहन पहन के आप अगर बोर हो गए हैं, तो आप उसका इस टाइप से रीयूज करके उसको एकदम लेटेस्ट न्यू लुक दे सकते हैं। फ्रेंड्स, तो देखिए हमारी ड्रेस कुछ इस टाइप की है। इसमें हमारा अम्ब्रेला लहंगा रहेगा पूरा फ्रेल वाला, और ये इस टाइप का इसका ब्लाउज है। वी योक इसमें ये हमारा ब्लाउज है पूरा। नेक भी इस टाइप का है, स्लीव्स इसमें बिल्कुल भी नहीं है। पीछे इसमें राउंड नेक है और नीचे कमर पे फ्रिल दी है हमने। तो इसका हम जो ड्रेस बनाएंगे, ये हमारा वी योक के आलिया कट जो आजकल चल रहा है उस टाइप की ये हमारी ऊपर की ड्रेस हो जाएगी, और नीचे का जो बना रहे हैं उसका बनाएंगे एक अलग से स्कर्ट। तो इस ओल्ड ड्रेस को सुंदर सा लुक देने के लिए हमने फैब्रिक लिया है ये क्रश नेट का। तो ये फैब्रिक हमने लिया है पूरा 10 मीटर। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, ब्लाउज तो जो रहेगा हमारा, इसमें अभी हम कुछ नहीं करना है, इसको भी करेंगे साइड में। और ये जो हमारा लहंगा है, इसमें से इस कमर को अलग करेंगे और इसमें से जो अस्तर लगा हुआ है इसको अलग हटा देंगे निकाल के। तो चलिए फ्रेंड्स, इसका नेफा हम पहले निकाल लेते हैं। तो नेफा हमारा इसमें से निकल चुका है। नेफा अलग करने के बाद अब हम इसको कर लेंगे उल्टा। यहाँ साइड की थोड़ी सिलाई निकाल देना जहां तक अस्तर और नेट साथ में अटैच है वहीं तक। तो नेट और अस्तर हुआ है हमारा अलग अलग। अस्तर को अब हम कर देंगे साइड में, क्योंकि अस्तर का हमारा इसमें कोई काम नहीं है। इस लहंगे में से अस्तर निकाल कर और हमने बना लिया है सुंदर सा शरारा, और इसके साथ बना लिया एक बहुत ही डिजाइनर सा दुपट्टा। अगर अभी तक आपने वीडियो नहीं देखा है तो हमने लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, तो आप वहां से जाकर देख सकते हैं ये दोनों ही चीज का। कटिंग स्टिचिंग दोनों की हमने आपको बताई है। वैसे तो हमारे सब्सक्राइबर ऐसे हैं कि रोज ही वीडियो देखते हैं, तो आपने आई होप इन दोनों कटिंग स्टिचिंग देख ली होगी। हाँ। और इस वाले फैब्रिक में से हमने 1 मीटर फैब्रिक बचा लिया था, इसमें लगाएंगे हम स्लीव्स, क्योंकि ऐसा है ना विदाउट स्लीव्स इसलिए। तो अब हमने ले लिया नीचे वाला घेर का फैब्रिक और यहाँ से कमर के पास से इसको मिलाकर कर लेंगे 4 फोल्ड, क्योंकि ये पहले से डबल है ना इसलिए। वहाँ के इसको हमने 4 फोल्ड करके रख लिया है। अब हम ले लेंगे अपना टॉप और टॉप को हमें यहाँ पर रखना है। तो इसको रखने के बाद बैक साइड की लंबाई हमें कितनी रखनी है, 36 इंच की। तो 36 इंच पे इंच गैप को रख लेंगे और 36 तक जाएंगे। तो ये ब्लाउज हमारा पड़ रहा है बड़ा, तो हम ये ऐसे रखेंगे कि ये 36 में एकदम फिक्स बैठ जाए। ये आ रहा है हमारा यहाँ पर। ये हमारा बैक पार्ट जो है ना, फ्रंट पार्ट से नहीं देखेंगे हम, देखेंगे बैक पार्ट से। 36 से हमने इसको बराबर मिलाकर रख लिया और ये फ्रिल को छोड़ देंगे यहाँ से, क्योंकि हमें सिलाई लगाना है। तो यहाँ से आधे इंच ऊपर निशान लगाएंगे हम, ये इसको हटा देंगे यहाँ से लेके यहाँ तक इसको मेजर करेंगे। ये आ रहा है हमारा 26 इंच का। 26 पे मार्क करेंगे। अभी ये जो मार्किंग की है हमने, ये की है हमने बैक पार्ट के लिए। तो यहाँ से पहले इसकी सिलाई थोड़ी सी निकाल देंगे, लगभग निशान के थोड़े नीचे तक की सिलाई निकालना है हमें। इस निशान को कर दिया हमने डार्क ताकि अच्छे से दिखे हमें बैक साइड से भी। एक पार्ट को हटा देंगे इसमें से ऊपर वाले को, क्योंकि हमें दो अलग अलग पार्ट की कटिंग करनी है। ऊपर वाले को हटा के बैक वाले को अच्छे से जमा कर रख लेंगे। यहीं से अब इसकी कटिंग कर देंगे। ये तो हो गई हमारी बैक साइड की कटिंग। अब इसको फिर से जमाएंगे। अब फिर से हम इसको लेंगे ब्लाउज को और यहाँ पर रखेंगे। बैक साइड की लंबाई हमारी 36 थी और फ्रंट साइड की लंबाई थी हमारी 32 इंच की। तो फिर से हमें यहीं से इंची टेप को रखना है। ये हमारा फ्रंट वाला पार्ट है, यहाँ से हम लेंगे और 32 पे इंची टेप को रख देंगे। 32 इंच से हमने इसको मिलाकर रख दिया है। इसकी लंबाई लगाएंगे हम यहाँ तक, क्योंकि हमें सिलाई यहाँ तक चाहिए। ये हमारा बैक पार्ट है, ये फ्रंट पार्ट है, और इसमें वी ओके वाला शेप है ना, इसीलिए इसकी लंबाई हम यहाँ आधे इंच ऊपर तक लगाएंगे इस वाली सिलाई से। तो ये हमारी लंबाई तो लग चुकी है, इसमें यहाँ से हमें इस तरह से शेप देना है। शेप दे दिया, पीछे वाले को यहीं से खींच देंगे, इसी निशान पे से कटिंग कर देंगे। फ्रंट पार्ट की भी कटिंग हो चुकी है। तो दोनों साइड का हमारा वी ओके वाला घेर की कटिंग हो चुकी है, और वो भी अप डाउन वाले की। इसको अच्छे से वापस से जमा कर रख लिया है और यहाँ से हमें इन दोनों को मिलाना है और यहाँ पर लगा देना है सेंटर का कट। सेंटर कट लगाने के बाद ये हमारा अप डाउन हो चुका है। ये कमर हमारी बहुत बड़ी है, तो यहाँ पर हम बनाएंगे गैदर्स, छोटे छोटे चुन बना लेंगे। तो हमारी वी ओके वाली फ्रॉक बन जाएगी आलिया कट, वो भी पुराने ड्रेस से। अब ये जो ब्लाउज है हमारा, ये तो पूरा पहले से रेडी है। इसमें हमें दो काम करना पड़ेंगे, ये हुक निकालना पड़ेंगे और इसकी साइड की फिटिंग निकालना पड़ेगी। यहाँ से लेके यहाँ तक दोनों साइड की फिटिंग इसमें खोल दी है हमने, और यहाँ पे जो हुक लगे थे उनको भी हटा दिया है। और यहाँ पर ये गला इसमें का बहुत बड़ा है, क्योंकि ब्लाउज के अकॉर्डिंग था। तो अब इसमें हम यहाँ बटरफ्लाई बनाकर नेट लगा देंगे, तो अच्छा सा लगने लगेगा और थोड़ा कवर भी हो जाएगा। यहाँ से लेके यहाँ तक लगाएंगे हम बलून स्लीव, और यहाँ पर लगाएंगे सिंपल स्लीव्स,
थोड़ा कफ टाइप का रहेगा। यहाँ की हमारी जो सिंपल स्लीव्स रहने वाली है उसमें हम लगाएंगे अस्तर। हमने एक छोटा सा पीस ले लिया है अस्तर का, इसको हमें यहाँ से एक बार फोल्ड कर देना है और इसको एक बार और फोल्ड कर देना है। तो ये होगा हमारा फोर फोल्ड। यहाँ से लेके यहाँ तक जो सिंपल हम स्लीव रख रहे हैं उसकी लंबाई रख रहे हैं 9 इंच। इसको आप कफ भी बोल सकते हैं और सिंपल स्लीव भी बोल सकते हैं। तो 9 इंच हम इसकी लंबाई रख रहे हैं, तो इसको हम कटिंग करेंगे 10 इंच का। तो ये हमारा फैब्रिक 10 इंच का है और इसकी यहाँ की फिटिंग हमारी रहेगी 10 इंच की और यहाँ की फिटिंग है 8 इंच की। 10 का आधा हो जाएगा 5 इंच और थोड़ा सा मार्जिन रख लेंगे इसमें 1.5 इंच का। और यहाँ 8 का आधा हो जाएगा 4 इंच और इसमें भी थोड़ा सा मार्जिन रखेंगे। आधे इंच सिलाई में हमारा यहाँ पर दबेगा और आधे इंच यहाँ पर दबेगा, बन के रेडी हो गया जाएगा हमारा 9 इंच का। अब हम कर देंगे इसकी कटिंग। यहाँ से फिटिंग आएगी इसकी और इस साइड की फिटिंग यहाँ से आएगी। तो ये हमारे अस्तर की कटिंग हो चुकी है। ये जो हमने दो कमर में पीस कट किए थे इनको यहाँ से कमर के पास से मिला देना है। एक साइड से ले लेंगे और एक साइड से फैब्रिक बचा लेंगे। यहाँ पर इसको रखेंगे बराबरी से और कटिंग कर देंगे। कफ की तो कटिंग हो चुकी है, इसको करेंगे साइड में। ये फैब्रिक बचा है देख लेंगे कहीं इसमें यूज कर लेंगे हम। 9 इंच की स्लीव हमारी निकल चुकी है, इसमें से अब हमें बाकी की स्लीव निकालना है जो हमने 1 मीटर फैब्रिक लिया था। इसको यहाँ से मिलाएंगे और डबल कर देंगे और इसको यहाँ से एक बार और फोल्ड कर लेंगे। इसको अच्छे से रखने के बाद यहाँ पर एक निशान लगाएंगे हम कपड़े को सीधा करने का। इसके बाद लगाएंगे हम स्लीव्स की लंबाई। तो यहाँ से इंची टेप को रखना है और इसमें से 9 इंच की तो हमारी ये कफ की बॉर्डर निकल गई है, तो इसको 9 इंच इंची टेप को ऊपर छोड़ देंगे। यहाँ से अब इंची टेप को हमने रख लिया है। स्लीव की लंबाई हम रख रहे हैं 24 इंच की। आधा इंच सिलाई में यहाँ पर दबेगा और आधा इंच यहाँ पर दबेगा तो हो जाएगा हमारा 1 इंच। तो 24 की जगह 25 इंच पे निशान लगाएंगे। यहाँ से लेके यहाँ तक इसको मेजर कर लेंगे, ये आ रहा है 17 इंच का, तो यहाँ पे भी 17 इंच पे निशान लगाएंगे। सीधी लाइन ड्रॉ कर देंगे और एक लाइन यहाँ पर खींच देंगे। इसके बाद यहाँ से हमें इंची टेप को रखना है और 3.5 इंच स्लीव्स को डाउन कर देना है और इसमें स्लीव्स का शेप ड्रॉ कर देंगे। और यहाँ से हम इसको थोड़ा सा तिरछा कर लेंगे, यहाँ से लगभग 2 इंच। अब करेंगे हम इसकी कटिंग। यहाँ से हमें 4 इंच पे एक कट लगा देना है, एक कट लगा देना है हमें सेंटर पे और एक कट लगा देना है यहाँ पर 1.5 इंच पर। तो देखिए इसको यहाँ पर रखेंगे, कुछ इस टाइप से हमारी स्लीव्स बनेगी। ये देखिए यहाँ पे ऐसी आ जाएगी और यहाँ पे भी ये चन बन जाएंगी। तो ये हमारा बलून हो जाएगा, ये हमारा कफ हो जाएगा। तो ये हमारी कफ वाली आस्तीन की बलून वाली की कटिंग भी हो चुकी है। घेर भी कट गया, कफ वाली बलून वाली आस्तीन भी कट चुकी है। ये जो हमारा फैब्रिक बचा है यहाँ से हम बनाएंगे इसमें बटरफ्लाई पीछे बैक साइड और इसमें कुछ टाइप के बना लेंगे, कुछ डिजाइन करेंगे। चलिए करते हैं। तो सबसे पहले तो हम ये जो हमारी डोरी लगी है इसको हटा देंगे क्योंकि यहाँ पर हम डिजाइन देने वाले हैं। अंदर साइड से इसको कट कर लेंगे। यहाँ से डोरी हटा दी हमने। डोरी हटाने के बाद इन पट्टियों को भी हटा देना है क्योंकि ये बहुत मोटी है हमारी। यहाँ से हमने इन पट्टियों को हटा दिया है। अब हम इसको लेंगे और यहाँ से एक दूसरे के ऊपर रख देंगे और यहाँ से सिलाई लगा देंगे। अब इसको करेंगे हम सीधा। ये देखिए ये तो हमारा हो गया पैक। अब हमें इसको रखना है सीधा करके। ये जो हमारी स्लीव्स के नीचे से नेट बची थी इसको हमने ले लिया है और इसको हमें यहाँ पर लगाना है। देखिए एक हम बटरफ्लाई बनाकर यहाँ पर लगाएंगे, एक यहाँ पर लगाएंगे और एक यहाँ पर लगाएंगे। तो ये हमारी इतनी बड़ी जो नेट है यहाँ से लेंगे इसको और इसको कर लेंगे उल्टा। ये वैसे हमारी उल्टी रखी हुई है, इसको यहाँ से सिल देंगे। सिल दी हमने। इसके बाद इसको यहाँ से गले के पास से ही बिल्कुल इसको मेजर करना है। मेजर किया और गले के पास से लेके पूरे यहाँ तक इसको कट कर लेंगे। इसको हमने कट कर लिया है, इसको हमें एक बार और फोल्ड करना है और इसको बीच में से कट कर लेना है। कट कर दिया, इसको यहाँ से भी सिल देंगे। यहाँ से एक साइड से पलट के इसको करेंगे सीधा। ऐसे ही हम इस वाले को रेडी करेंगे। इसी की वजह से हमने इसको भी रेडी कर लिया है। अब इसको लेना है हमें और इसको कर देंगे मशीन के अंदर। एक बटरफ्लाई लेंगे और देखिए हमने इसको इससे बड़ा ही रखा है क्योंकि यहाँ पे ऐसे इकट्ठी होगी ना तो थोड़ा और खिंचेगी ये, इसलिए थोड़ा ढीला ही दे के लगाना है। ज्यादा ऐसे इकट्ठा सा नहीं करना है, थोड़ा सा लूज रखना है इसको हमें। यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे इसको लगाना शोल्डर के आधे इंच नीचे से। अब हम यहीं से दूसरी लगाएंगे। यहीं से घुमा देंगे इसको, यहाँ से इसको इसके अंदर कर देंगे। इसको थोड़े से बराबरी से ले लेंगे। अब इस साइड वाला पोर्शन लेंगे,
इस वाले की बराबरी से रखेंगे और निशान लगा लेंगे। ये देखिए यहाँ से स्टार्ट हो रही है और यहाँ पर एंड हो जाएगी फर्स्ट वाली जाके, और दूसरी वाली यहीं से स्टार्ट हो जाएगी और यहाँ पर एंड हो जाएगी। तो दूसरी साइड से भी सिलाई लगाएंगे। पहले हम क्या करेंगे, इसको यहाँ से ऐसे साफ करके रख लेंगे। रखने के बाद इसको यहाँ से ऐसे पकड़ लेंगे, बटरफ्लाई बना लेंगे और अब इसको बराबर करेंगे। ये आ रहा है हमारी बटरफ्लाई का सेंटर, अब सही बैठ रही है ये। अब सिल देंगे इसको। ऐसे ही हमें दूसरी वाली में भी करना है, यहीं से इसको पकड़ना है, इस तरह से बीच में इसे पकड़ लेना है। ये देखिए ये सही आ गई हमारी, दूसरी वाली को भी यहीं से सिल लेंगे। तो ये हमारा नेक रेडी हो गया है। आप इस ट्रिक से आप किसी भी बड़े नेक को, मतलब अगर आपका कोई से भी ब्लाउज का नेक बड़ा हुआ है तो आप उसको ऐसे छोटा कर सकते हैं। तो अब हम बनाएंगे यह नीचे साइड बटरफ्लाई और यहाँ पर बनाएंगे रिबन्स। तो ये जो हमारी नेक बची है, बाकी ये वाली ले लेंगे। यहाँ से इसको ओपन करना है और इसको यहाँ से फोल्ड करना है। फोल्ड कर दी तो ये हमने एक जो फैब्रिक लिया है इसकी चौड़ाई रख ली है 3 इंच। यहाँ से इसको पलटना है, कटिंग कर देना है इसको, यहाँ से ऐसे तिरछे में कटिंग कर देना है। इसके बाद इसको यहाँ से ऐसे कटिंग करना है। अब हम इसको सिल देंगे। थोड़ा सा हमने यहाँ पर गैप रख लिया है इसको पलट के सीधा करने के लिए। अब इसी गैप के अंदर से हम इसको सीधा करेंगे। ऐसे ही हम इस साइड से भी कर देंगे। इस साइड से भी हमने सीधा कर दिया है। अब ये जो थोड़ी सी जगह हमारी खुली है इसको हम थोड़ा सा पकड़ के सिल देंगे। ये हमने दो फैब्रिक ले लिए हैं। इस फैब्रिक की लंबाई है 7 इंच और चौड़ाई है 4.5 इंच। दो फैब्रिक लिए हैं, दो हमने नेट लिए हैं। ये हमारी वही नेट है जो हमारी स्लीव्स के पास का जो कफ कटिंग किया था वहां से बच गई थी, वही वाली। इसको हमें लेना है सीधा करके इसके ऊपर रख देना है, इस नेट को और इस वाले को भी। इसके बाद इन दोनों को यहाँ पर आपस में मिला देंगे। अब इसको सभी जगह से सिलाई लगाकर पैक करेंगे। सभी जगह से सिलाई लगा के पैक करने के बाद इसके कॉर्नर्स को कट कर देना है। यहाँ से इसको पकड़ेंगे बीच में से और इसको कट कर लेंगे। एक फैब्रिक को पकड़ा है और एक को छोड़ दिया है। अब यहीं से हम इसको करेंगे सीधा इस छोटे से छेद में से। यहीं से पेचकस को अंदर करके कॉर्नर्स को बाहर निकालेंगे। अब ये जो कटा वाला हिस्सा है इसको हम नीचे साइड करेंगे और ये साबुत वाला जो हिस्सा है इसको हम ऊपर साइड करेंगे। और ये हम अपनी जो हमने रिबन तैयार किया था इसको ले लिया है। सेंटर का निशान लगाना है, यहाँ से इसको सीधा करके रखना है और इसको भी सीधा करके रखना है और इसको ऐसे पकड़ना है। पकड़ लिया इसको, यहाँ से हमें ऐसे उल्टा करके रखेंगे और सेंटर से रखेंगे। इसको इकट्ठा करेंगे, यहाँ से जाएंगे और इसमें लगाएंगे हम नॉट। इसको हमें अच्छे से टाइट कर देना है और इसको इसके बाद पलट देंगे। ये देखिए हमारी बटरफ्लाई तो बन चुकी है। अब हम इसको करेंगे टक। तो ये अपना ब्लाउज ले लिया है हमने, इसको हमें सेंटर से मिलाना है। ये मिला दिया और यहाँ पर जाएंगे, जगह देखेंगे, थोड़ी सी जगह देख लेंगे और यहीं पर टक करेंगे। थोड़ी सी जगह हम यहाँ पर देख लेंगे। अब ये बटरफ्लाई लगाने के बाद ले लिए हैं हमने बटन्स। बटन्स हम यहाँ पर लगाने वाले हैं तो इसको यहाँ से लेना है हमें और यहाँ से लगाना है। इस तरह से इसको पकड़ लीजिए बढ़िया, ऐसे एक बार या दो बार ऐसे राउंड घुमाइए और इसको सेंटर जरूर देख लेना, नहीं तो टेढ़ी बटरफ्लाई बन जाएगी। आप ऐसे टाइट कर देंगे, हो गया टाइट। एक बार और घुमा दीजिए। अब ले लेंगे हम अपना बटन और यहाँ पे अटैच कर देंगे। बटन हमारा टक हो गया है, इसी की वजह से हमने इसको भी डांग दिया है। तो ये हमारा पूरा बैक नेक है वो रेडी हो गया है। बताइए पहले के मुकाबले अब ये कैसा लग रहा है। हमने ले लिया अपना कफ स्लीव्स का, एक नेट ले लेंगे इसमें से और एक हटा देंगे। ये हम अपनी चप्पा लेस लेंगे और इसको यहाँ चौड़ी वाली साइड लगाएंगे। इस तरह से हमें यहाँ पर उल्टा करके इसको रखना है और अटैच करना है। इसके बाद लेंगे हम अपना अस्तर, इसको रखेंगे इसके ऊपर, इसको रख देंगे यहाँ पर। यहाँ से सिलाई लगाएंगे, इसको यहाँ से पलट देंगे, पलट के इसको अंदर करेंगे और इसके ऊपर लगा देंगे बूट की सिलाई। यहाँ से लेके यहाँ तक बूट की सिलाई लगा दी, कफ हमारा रेडी हो गया। इसी की वजह से इस वाले कप को भी रेडी कर लेंगे। इसी की वजह से हमने इस वाले कप को भी रेडी कर लिया है।
अब हम इसमें ये स्लीव्स लगाएंगे, ये नेट वाली, यहाँ से ये गोलाई है आर्म होल्स की और ये नीचे वाला हिस्सा है। यहाँ वाले हिस्से में हमें इस टाइप से गैदर्स बनानी है, यहाँ वाले पार्ट में फिक्स बैठ जाए। इसको करेंगे सीधा, सीधा करके रख लेंगे और ये हमें क्रश नेट है इसलिए इसको ऐसे हैंड से इकट्ठा करेंगे। ये जो हमने कट लगाया था फिटिंग का, यहीं तक इन जो नटों को एंड करना है गैदर्स को। तो ये हमारी बन चुकी है। अब इसको लेंगे, इसको रखेंगे उल्टा करके और इसको भी रख देंगे हम, और इसको रखेंगे हम सीधा करके। यहाँ से इन दोनों को पकड़ेंगे, नेट को हटा देंगे, यहाँ से लगाएंगे इसको। इसके बाद इसको हम पलट देंगे और ये जो मार्जन है इसको यहीं पे अटैच कर देंगे। ये वाली सिलाई लगा दी, नेट को ऊपर साइड पलट देंगे और यहाँ से लेस को मार्जन साइड करेंगे अंदर और लगाएंगे अब सिलाई इस पे पॉइंट की। हमारी स्लीव्स यहाँ तक तो हो गई रेडी। अब ये वाला जो हिस्सा है हमारा यहाँ का, इसमें हम गैदर्स बनाएंगे इसके नाप से। स्टार्टिंग करनी हमें स्कर्ट के पास से। तो ये बन गई हमारी स्लीव्स। दोनों स्लीव्स को रेडी करने के बाद ये हमने अपना ब्लाउज ले लिया है और इसको हमें स्लीव्स को सीधा करके रखना है, ब्लाउज को भी सीधा करके रखना है और यहाँ से लगाना स्टार्ट करना है, यहाँ से इस तरह से जैसे रेडीमेड में स्लीव्स लगाते हैं ना, उसी तरह से हमें इसको भी अटैच कर देना है। यहाँ से लेके पूरे यहाँ तक सिलाई लगाकर दोनों स्लीव्स को हमने अटैच कर दिया है। तो हमारी पूरी चोली वाला पार्ट कम्प्लीट हो गया है। अब बनाएंगे हम घेर। अब हमने ले लिया है 1 मीटर अस्तर, इसको हमें यहाँ से फोल्ड करना है और इसको यहाँ से एक बार और फोल्ड कर देना है। ये हो गया हमारा 4 फोल्ड और ये हम अपना कमर वाला हिस्सा लेंगे नीचे घेर वाला और इसको इसके ऊपर रखेंगे। ये देखिए, ये हमने इसके नाप से ही लिया है 1 मीटर। तो ये यहाँ से अपना ठीक आ रहा है। यहाँ से लंबाई हम पूरी ले लेंगे इसकी, इसको हटाएंगे, इस वाले हिस्से को कटिंग करके खोल देंगे। ये हमने इसकी कटिंग कर दी है, इसको एक पार्ट को हटा देंगे, इसको रखेंगे हम सीधा करके और ये जो हमारा घेर है इसको लेंगे और इसमें सिर्फ एक पार्ट हटा देंगे और एक पार्ट को ले लेंगे यहाँ से और इसके ऊपर रख देंगे और यहाँ से लेके यहाँ तक इस वाले पोर्शन को अटैच कर देंगे कमर वाले को और इस साइड वाले में ये ऊपर वाला जो है इस वाले में हम इस वाले स्तर को अटैच करेंगे। यहाँ से लेके यहाँ तक और यहाँ से लेके यहाँ तक सिलाई लगाकर इसको कर दिया हमने अटैच। अब इसमें हमें बनानी है यहाँ पर छोटी छोटी चुन्नटे, इस तरह से चुन्नट बनाएंगे इसमें और चुन्नट बना के इसको इसके नाप से एडजस्ट कर लेंगे और इस वाले फैब्रिक की चुन्नटे बनाएंगे हम ये बैक वाले के नाप से। 2 इंच पहले हम इसको प्लेन रख लेंगे मार्जिन के लिए, फिर बनाएंगे हम इसमें चुन्नटे। दोनों साइड के पार्ट में हमने चुन्नट बना ली है। अब इसको दोनों को मिलाएंगे, सीधा तो हमने पहले ही कर लिया है, इन दोनों को मिलाएंगे और ये देखिए ये वाला ऊपर वाला छोटा है और नीचे वाला बड़ा है, तो छोटे वाले पोर्शन को हमें आगे लगाना है क्योंकि ये अप डाउन है ना इसलिए। तो इसको हमने सीधा करके रख लिया है इस तरह से और इसको लेंगे यहाँ से और इस तरह से इसको यहाँ से बराबरी से रखेंगे और यहाँ से लेके यहाँ तक सिलाई लगाकर इसको अटैच कर देंगे। अब यहाँ से जाएंगे बैक साइड, ये बैक वाले पार्ट में ये बैक वाले को अटैच कर देंगे यहाँ से लेके यहाँ तक सिलाई लगाकर। यहाँ से लेके यहाँ तक सिलाई लगाकर इसको अटैच कर दिया है और हमने बैक साइड से इसको अटैच कर दिया है। अब हम इसको कर लेंगे उल्टा, इसको हमने उल्टा कर लिया है। अब आपको अपने नाप के अकॉर्डिंग यहाँ से लेके यहाँ तक और ये वाली जो निशान लगाया था हमने कफ का, यहाँ से लेके यहाँ तक इस साइड की फिटिंग कर देना है और ऐसे ही हमें इस साइड की फिटिंग कर देना है। और यहाँ से इस अस्तर को हटाएंगे, थोड़ी सी बस नेट खुली है इतनी सी, तो इसको सिल देंगे दोनों साइड से और यहाँ पे तो ये तिरछी जा ही रही है हमारी। ये देखिए यहाँ से हम इस वाली फिटिंग के पास से यहाँ से लेके पूरे यहाँ तक और यहाँ से लेके यहाँ तक इसमें भी सिलाई लगाकर फिटिंग कर देंगे। यहाँ से लेके पूरे यहाँ तक इसकी फिटिंग हमने कर दी है और अब हम कर लेंगे इसको सीधा। तो देखिए फ्रेंड, बन चुकी है हमारी एक ओल्ड लहंगे से वी ओके आलिया कट फ्रॉक। तो देखिए ये कुछ ऐसी लग रही है और इसमें बैक साइड जाते हैं हम अगर तो ये तो है हमारी इसमें आलिया कट वी ओके फ्रॉक और ये है इसके साथ का शरारा। फ्रेंड जल्दी जल्दी कमेंट करके बताइए कि आपको ये पूरी ड्रेस कैसी लग रही है। अब गुड़िया आपको इसको वेयर करके दिखाएगी। देखिए फ्रेंड्स, तो मैंने ये वाली ड्रेस वेयर कर ली है ओल्ड लहंगे से आलिया कट ड्रेस, तो आपको कैसी लग रही है जल्दी फटाफट से कमेंट करके बताइए। तो ये कुछ इस टाइप की है, पूरा फुल इसका लुक ऐसा आया है।
ये इसकी स्लीव्स हैं, बलून वाली स्लीव्स। स्लीव्स पर भी हमने फ्रिल दी है, यहाँ आलिया कट पे भी फ्रिल है। और ये रही इसकी पूरी फुल ड्रेस। तो अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए।